on the floor, distracting my thoughts to you. I turn into the man I used to be. To be myself asleep. Just so I can get closer to you inside my dreams. Didn't wanna wake up and see what. स्वागत है जी आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल क्लब विंटेज 8 में, और मैं हूं आपका दोस्त सरबजीत लुधियाना पंजाब से। सो आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है दोस्तों, क्योंकि आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको बेस का बहुत ज्यादा क्रेज है, जिनको एक ही रिक्वायरमेंट होती है कि भैया मुझे बेस चाहिए यार, पता लगे कि कुछ चल रहा है आस पड़ोस में भी। तो उन्हीं के लिए आज ये सिस्टम लेके आया हूं मैं, बेस के दीवानों के लिए एक बेहतरीन तोहफा है मेरी तरफ से। बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में आपको पीस मिलेगा। ये फीफा वर्ल्ड कप जब 2010 में हुआ था, ये उस वक्त का म्यूजिक सिस्टम है। तो इसका जो मॉडल नंबर है वो भी बिल्कुल उसी हिसाब से रखा गया था। यहाँ पे देखिए आप FW 2010, मतलब फीफा वर्ल्ड कप 2010। यहाँ पे भी देख सकते हो ऑफिशियल फीफा पार्टनर। उस वक्त ये वाले जो सिस्टम था काफी ज्यादा सेल हुआ था, हॉट सेलिंग था उस वक्त का ये प्रोडक्ट। सोनी के बेसिकली सभी जो सिस्टम्स होते हैं काफी ज्यादा बढ़िया साउंड वाले होते हैं, मगर ये वाला टावर स्पीकर के साथ है। टावर स्पीकर इसके काफी ज्यादा बड़े हैं, यहां से आप देख सकते हो उसकी ऊपर से लुक आपको मिलेगी, फुल नीट एंड क्लीन कंडीशन में मिलेंगे आपको, ठीक है जी। साथ में इसके वूफर्स है। तो आज मैं रिव्यू करूंगा इस बहुत ही प्यारे और खूबसूरत सेट का। सो वीडियो के एंड तक बने रहिए, फिर शुरू करते हैं वीडियो। सो मैं कुछ बातें भी करूंगा आप लोगों से। लास्ट वीडियो जो मैंने कैनवुड के स्पीकर्स डाले थे उसके ऊपर मुझे बहुत से लोगों का प्यार मिला, तो काफी लोगों की क्यूरी आई कि यार भैया आपने इतने कम रेट में डाल रखे हैं, अगर आपको जानना हो तो आप एक बार कॉमेंट सेक्शन जरूर पढ़ सकते हैं। तो एक्चुअली वो जो स्पीकर थे मुझे पड़े ही सिर्फ 4500 रुपीज के थे, तो मैंने वो सिर्फ 1000 रुपीज के मार्जिन के ऊपर सेल कर दिए। और हमारे दोस्त हैं अपना तेलंगाना से विजय कुमार रेड्डी जी, जिन्होंने उनको परचेज किया है। आप देखोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा एक 8 इंचिस का एक सबवूफर जो कि इनबिल्ट एम्पलीफायर के साथ आता है, और इसके अंदर जो एम्पलीफायर लगा है मैं आपको दिखाता हूँ जी, वो है एस मास्टर डिजिटल एम्पलीफायर। ये एक डिजिटल एम्पलीफायर इसके अंदर लगा हुआ है जो साउंड की परफॉर्मेंस को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देगा। जब मैं आपको चला के दिखाऊंगा आपको फिर पता लगेगा। तो चलते हैं इसके स्पीकर्स की ओर। तो यहाँ पे है जी एक एडवांस्ड हॉर्न ट्विटर जो कि सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए माना जाता है। इसके अंदर इसका जो बना रखा है, इसका जो ढांचा है वो इस हिसाब से है कि ट्रेबल पूरी फैल के आपको मिलेगी, और उसके नीचे आपको मिलेगा एक 8 इंच का वूफर, और उसके नीचे आपको सोनी की ब्रांडिंग, और उसके बाद यहाँ पे स्पीकर्स अभी भी बरकरार हैं, और यहाँ से बेस रिमूव करने के लिए एक बहुत बड़ा डक्ट लगा हुआ है ये वाला। ये फोटोज आपको वीडियोस में अभी स्पीकर छोटे लग रहे होंगे, बेसिकली स्पीकर बहुत बड़े हैं। तो सेम दूसरी तरफ स्पीकर्स की साइड की लुक है, इसका जो डाया है काफी चौड़ा है, ये मेरे हाथ के आसपास होगा, ये काफी मेरा बड़ा हाथ है तो उसके हिसाब से काफी बड़े स्पीकर हैं। पीछे को इनका जो घेरा है काफी ज्यादा है, सो बेस उतनी ही ज्यादा प्रोड्यूस करेगा ये, ठीक है। इसलिए दिखा रहा हूं आपको क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि बेस का रिस्पॉन्स तभी बढ़िया निकलेगा जब ये वाला डाया चौड़ा होता है। टावर स्पीकर्स में ये वाले अगर आपको बड़ा मिलता है चीज तो उसकी बेस उतनी ही ज्यादा बढ़िया रहेगी, ठीक है जी। तो पीछे से भी आपको मैं दिखा देता हूं एक बार, ये देखिए यहां पे इसका मॉडल नंबर आपको मिल जाएगा, और उसके बाद आप कंडीशन चेक कीजिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कहीं से भी एक इंच भी आप नहीं बोल सकते कि ये थोड़े से भी खराब हो रखे हैं, टोटली साफ सुथरे पीस है। इस कंडीशन में मिलना आटे में से नमक मिलने के बराबर होता है, ये नहीं मिलेगा आपको, बिल्कुल भी एक भी स्क्रैच नहीं पड़ा हुआ है। यहाँ पे एक स्टिकर सा लग रखा है अभी तक, ठीक है जी। ये आप देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, स्पीकर बिल्कुल टॉप नॉच कंडीशन में आपको मिलेंगे। सेम अगर मैं बात करूं एक्टिव सबवूफर की तो वो भी ऐसा ही है,
तो ये है एक्टिव सबवूफर का बैक सिस्टम। यहाँ पे आपको मिल जाएगा इनपुट के लिए ऑप्शन, अगर आपने एलईडी के साथ अटैच करना है तो आप यहाँ से भी इनपुट करवा सकते हो, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया। यहाँ पे दो स्लॉट्स मिलेंगे आपको लेफ्ट और राइट में, 4 ओम के स्पीकर चला सकते हो। तो अगर वैसे ही आपने ये दो स्पीकर किसी और चीज के साथ यूज करने हैं तो आप उसके साथ भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे इसकी ब्रांडिंग दे रखी है पीछे सोनी, उसके बाद उसका मॉडल नंबर W2010, एक्टिव सबवूफर, उसके बाद मेड इन मलेशिया, ठीक है जी। ये बिल्कुल देखिए आप, एकदम से आपको नीट एंड क्लीन मिलेगा पूरा यूनिट ही। मतलब मैंने काफी सेट सेल किए हैं, काफी मेरे पास बढ़िया कंडीशन में आते हैं, बट कई ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा साफ सुथरे कंडीशन में मिलती हैं, तो उन्हीं में से ये एक है। सो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ चला के इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। यहाँ पे इसका पावर बटन है, अगर आप प्लग इन करोगे इसको तो यहाँ पे रेड कलर की एक बहुत ही छोटी सी लाइट चल पड़ेगी, और जैसे ही आप इसको पावर ऑन करते हो तो वो लाइट चली जाएगी और यहाँ पे आपकी लाइट्स चलनी शुरू हो जाएंगी। इसके अंदर जॉग डायल के अंदर बहुत ही छोटी छोटी LEDs लग रखी हैं जो आपको रात को बहुत ही बढ़िया से लगेंगी। तो चलिए इसको चलाते हैं। फिलहाल मैंने अपना प्यारा सा छोटा iPod इसमें लगा रखा है जी, तो यहाँ पे ओके करता हूँ मैं। तो ये सुनिए गाना, क्वालिटी जो होगी आप फील करोगे। तो ये तो है जी इसकी साउंड। तो चलिए मैं आपको इसके पहले फंक्शंस एक बार समझा देता हूँ। इसमें ये बेस ट्रेबल कैसे वर्क करती है मैं आपको बताता हूँ। आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे बेस पे क्लिक करना है। अगर आप बेस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी लाइट ब्लिंक होना शुरू हो जाएगी, और फिर इस जॉग डायल को हम राइट की तरफ घुमाएंगे तो बेस बढ़ने लग जाएगी, ठीक है जी। यहाँ से ओके, यहाँ पे बेस फुल, और उसके बाद मैंने करना है ट्रेबल पे, ये ट्रेबल ब्लिंक हो रहा है तो ये ट्रेबल आपकी फुल हो गई, और यहाँ पे हमने इसको बंद, और अब इसकी वॉल्यूम बढ़ेगी। तो मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूं भी इसमें कैसे रहेगा। अगर आपने इसकी बेस बढ़ानी है या बेस को घटाना है तो सिंपली आप बेस पे क्लिक करोगे और उसके बाद यहां से जॉग डायल को बढ़ाओगे तो आपकी बेस बढ़ जाएगी। फिर आपने क्लिक करना है ट्रेबल के ऊपर, और फिर यहां से दोबारा बढ़ाओगे तो फिर वो ट्रेबल बढ़ने लग जाएगी, और यहां से इनपुट सिलेक्ट हो जाएगी। तो ये बहुत ही इजी है चलाने में, इसमें कोई ज्यादा तामझाम नहीं है, सिंपल प्लग एंड प्ले है, आपने इसको लगाना है। इसकी साउंड क्वालिटी आपको और बढ़िया मिलेगी जब आप इसको थोड़े मतलब अच्छे तरीके से इसको प्लेस करोगे रूम में। ये जो स्पीकर्स हैं इनको कम से कम 1 फुट की दूरी से अलग अलग रखेंगे, और जो ये बेस है जो सबवूफर है इसको आप किसी भी कोने में रख सकते हो और उससे बेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए इसको चलाना बहुत ही आसान है। इसकी वायर्स काफी ज्यादा लंबी हैं, मैं आपको ओरिजिनल वायर साथ में दूंगा, जिससे आप चाहो तो अगर आपने घर में कुछ पार्टी है तो इसको उठा के आप बाहर भी रख सकते हो, वायर्स का कोई झंझट नहीं रहेगा। फुल लॉन्ग वायर्स मिलेंगी आपको, 20 मीटर के आसपास वायर्स होंगी जो आपको मैं इसके साथ प्रोवाइड करवाऊंगा।
तो चलिए जी दोस्तों, आपने वीडियो पूरी देख ली है, आपको इसकी परफॉर्मेंस के बारे में पता लग गया होगा क्या इसकी कंडीशन है और क्या इसकी परफॉर्मेंस है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो ये पड़ेगा जी आपको ओनली 17,000 रुपीज में। 17,000 रुपीज में एक आपको मिलेगा एक्टिव सबवूफर जिसके अंदर इनबिल्ट एम्पलीफायर लग रखा है, और दूसरी तरफ आपको मिलेंगे ये वाले टावर स्पीकर्स, ठीक है जी, ये वाले टावर स्पीकर्स आपको मिलेंगे, दो टावर स्पीकर और एक एक्टिव सबवूफर, आपको फुल कंप्लीट सिस्टम मिलेगा आपको ओनली 17,000 रुपीज में। आपको लगे कि अगर ये वाला प्राइस ज्यादा है तो एक बार आप बाकी YouTube चैनल सर्च करना, ये दो स्पीकर ठीक है ये टावर कैटेगरी में है, तो आप एक बार स्टॉक करना कि सिर्फ टावर स्पीकर ही लोगों ने 18,000 रुपए के डाल रखे हैं, 16,000 के, 15,000 के, बट मैं आपको कंप्लीट सेट दूंगा वो भी सिर्फ 17,000 रुपीज में।